जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए आज के टेस्ट कांगड़ा जिले का टेस्ट, तो फटाफट देखते हैं कि कांगड़ा जिले के टेस्ट की तैयारी के लिए कितनी है तैयारी बच्चों की। तो आज शुरुआत करते हैं टेस्ट के लिए। तो पहला है आज का कांगड़ा जिले का जो टेस्ट है, तो पहला सवाल आपका ये रहा, 38वां सवाल है ये हमारा, तो धर्मशाला के समीप किस गांव में ध्यान यानी कि मेडिटेशन के लिए विपसान केंद्र जो है वो स्थित है। सिद्धवाड़ी जी, और कोई आंसर देना चाहेगा? शाहकोट, मानकोट, धर्मकोट या सिद्धवाड़ी? सही आंसर है सी, लेट हो गया जी, सी ऑप्शन धर्मकोट। कोशिश करें एक दूसरे से आगे जाने की, धर्मकोट सी ऑप्शन मैडम जी। नेक्स्ट सवाल ये रहा, त्रियुंड और धर्मकोट किस जिले में स्थित है? सिरमौर, कांगड़ा, करेक्ट आंसर रहेगा कांगड़ा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, कांगड़ा का कौन सा राजा शिकार खेलते समय कुएं में गिर गया और उसे मरा हुआ नाम दिया गया? हरिचंद प्रथम के साथ जा रहे हैं, और कोई आंसर देना चाहेगा? अभी आंसर दीजिएगा, नेहा जी का आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी, ये मैडम जी सही है, हरिचंद प्रथम की बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, बड़ा बंगाल किस जिले में है? कांगड़ा जिले में है। बड़ा बंगाल कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने नूरपुर के किस राजा को बल्ख के उज़्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था? जगत सिंह के साथ जा रहे हैं आप, राजेंद्र सिंह भी हो सकता है कि बासु भी हो सकता है या मंदधाता। जगत सिंह, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन, जगत सिंह ही इसका सही आंसर है। बहुत अच्छे। अगला, नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम क्या था? पठानिया, गुलेरिया, मनकोटिया या भटवालिया? सभी आंसर दीजिएगा। पठानिया ही है जी, जी पठानिया जी, बिल्कुल सही है पठानिया। अगला सवाल, नूरपुर के किस राजा ने अपने राज्य पर कब्जा होने के बाद महाराजा रणजीत सिंह से जागीर लेने से इनकार कर दिया? वीर सिंह, जगत सिंह, बासु या सूरजमल? वीर सिंह सर, वीर सिंह, वीर सिंह, बिल्कुल सही मैडम जी, बहुत बढ़िया जी, वीर सिंह ही इसका सही आंसर है। सभी ना अपना अपना आंसर देते रहिए। नेक्स्ट है, कौन गुलेर रियासत का शासक नहीं है? सभी आंसर करिएगा, कौन गुलेर, ई ऑप्शन के साथ जा रहे हैं पक्का? यस सर, बहुत बढ़िया, ऐसा है जी, सही आंसर है बी ऑप्शन, हमीर चंद। नेक्स्ट, त्रिगत के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बैजनाथ के राणा लक्ष्मण चंद के साथ
से किया जो उसका अधीनस्थ जागीरदार था। आंसर कर सकते हैं, अपना अपना आंसर कर सकते हैं सभी। हृदय चंद के साथ जा रहे हैं सभी, अपना आंसर कमेंट करते रहिएगा जी। आपके पास ऑप्शंस है, ए बी सी डी ऑप्शंस होती हैं, सभी अपना अपना आंसर जो है वो कमेंट करें। सही आंसर है डी, बिल्कुल सही मैडम जी, हृदय चंद। अगला सवाल, कांगड़ा क्षेत्र में सबसे छोटी रियासत कौन सी? कुटलेहड़। जसवान जी, और भी आंसर दे सकते हैं सभी को, बोल सकते हैं अपना अपना आंसर जो है। कुटलेहड़ जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, कांगड़ा क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत जो थी वो कुटलेहड़ रियासत ही थी। अगला सवाल है, कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर कौन था? नवाब अली खान। के साथ जा रहे हैं, और आंसर दे दीजिए मैडम जी, और आंसर दे दीजिए, अपना आंसर देते रहिए जी, अपना आंसर डालते रहिए, और भी बच्चे अपना आंसर दे सकते हैं, सभी आंसर दे सकते हैं बेटा, सभी बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन ही, नवाब अली खान। कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर कौन था? नवाब अली खान ही जो है वो पहले गवर्नर थे कांगड़ा जिले के। अगला, प्राचीन कांगड़ा राज्य के कटोच राजवंश के संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर करिएगा सभी। भूमिचंद के साथ जा रहे हैं, पहली ऑप्शन भूमा लिखा है, भूमि भी हो सकता है, हाँ भूमि होगा शायद यहाँ पे। क्या आंसर बोले, जोर से बोले, थोड़ा सा सुनाई नहीं दे रहा बेटा। भूमिचंद, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मैडम जी, बिल्कुल सही, भूमिचंद। अगला सवाल, त्रियुंड, त्रियुंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कांगड़ा जी मैडम जी, त्रियुंड जो है वो कांगड़ा जिले में है, कांगड़ा के। अगला सवाल, चंबा रियासत के किस वारिस को नर्स द्वारा बचाकर दूसरे राज्य में पहुंचाया गया, क्योंकि जगत सिंह ने से जान का खतरा था? पृथ्वी सिंह ऑलराउंडर बोल रहे हैं, पृथ्वी सिंह के साथ जा रहे हैं। और कोई आंसर देना चाहेगा, सभी अपना आंसर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बेटा, पृथ्वी सिंह ही इसका सही आंसर है बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट का ही है, चंबा आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? बिगने के साथ जा रहे हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही बेटा, बिगने ही इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, चंबा के किस राजा के कार्यकाल में त्रिकुला देवी का की प्रतिमा उदयपुर त्रिकुल में स्थापित की गई? प्रताप सिंह बर्मन, वीर बर्मन, गणेश बर्मन या आनंद बर्मन जी? क्या कौन सा मैडम जी? प्रताप सिंह बर्मन के साथ आ रहे हैं, और भी बोल सकते हैं सभी, अपना अपना आंसर, कुछ ने म्यूट किया हुआ है, सभी अपना अपना आंसर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वीर बर्मन,
वीर बर्मन, तो करेक्ट आंसर है ए प्रताप सिंह बर्मन, जिनका आंसर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, प्रताप सिंह बर्मन जो है बच्चों बिल्कुल सही आंसर है। चंबा के प्रकाश चंद को किस कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था? चंबा के प्रकाश चंद को किस कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था? धातु कला बोल रहे हैं ऑलराउंडर। और बोलिए जी, धातु कला ही बिल्कुल सही है बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा, धातु कला के लिए दिया गया था ये, धातु कला ही इसका सही आंसर है। अगला, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन सा था? प्रताप सिंह बर्मन के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, प्रताप सिंह बर्मन के साथ जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया प्रताप सिंह बर्मन। अगला सवाल, पकलोह नामक सैनिक छावनी जो है वो कहां पर स्थित है? चंबा में कहां पे है ये? ककीरा के पास, तुन्नु अट्टी जगह आती है वहां पर है ये बकलो, वहां पर बैरियर है, याद रखिएगा। अगला सवाल, चंबा राज्य यानी कि रियासत के संस्थापक कौन थे? मारू बर्मन, बिल्कुल सही निया जी, डी ऑप्शन, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, सभी का आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अगला सवाल है, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1788 में कहां पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए थे? फिर से रिपीट कर देता हूं, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1788 में कहां पर संधि पर हस्ताक्षर किए? आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा अपना आंसर। सभी अपना आंसर दे सकते हैं। जी ए ऑप्शन, शाहपुर जो है वो इसका सही आंसर है बच्चों, शाहपुर जो है इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल बर्मन को 10 पुत्रों चरपटनाथ के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं आप क्योंकि आपका सवाल भी बहुत अच्छा है, चरपटनाथ ही इसका सही आंसर है बच्चों, चरपटनाथ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्राचीन कला सॉरी काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ था? प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? ब्रह्मपुर के साथ जा रहे हैं, देख लेते हैं डी ऑप्शन, ब्रह्मपुर ही इसका सही आंसर है, ब्रह्मपुर ही सही आंसर है। तो ये थे आज के सवाल, आपको आई होप कि आज के सवाल ये अच्छे लगे हों, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत जय हिमालय।